मच मच बिगर इन साइज जितनी अब है यह काफी नहीं है नंबर एक उसमें मैं, मैं एज ए पाकिस्तानी हम लिटिल कंसर्न मुझे नेगेटिव बात तो नहीं करनी चाहिए कि इंडिया में एग्रीमेंट साइन हुए एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के वी आर साइनिंग एमओ यूज एंड हमारी हिस्ट्री इज वेरी व्लीक कि हम एमओयू साइन करने में तो मास्टर हैं लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन का वक्त आता था तो वी 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 फॉल्टर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आप न्यूक्लियर आप, आप न्यूक्लियर नुक, आप देखें चश्मा हमारा जो है सिविल न्यूक्लियर दे वर द फर्स्ट वंस टू हेल्प अस हमारी 2008 में शॉर्ट स्टेंट इन द कैबिनेट आई 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 सपोर्टेड के वी शुड एक्सपेंड वी हैड दी यू नो विद इन एग्रीमेंट दैट वॉज पॉसिबिलिटी एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय गिलानी साहब एंड दी अदर यू नो लीडरशिप तो हमारे पास इस वक्त इसी तरह उन्होंने इकोनॉमिक जोन का आपको कमिट किया कि हम इकोनॉमिक जोन आज उसको फैसला हुए तीन साल हो गए ओवर थ्री ईयर्स इकोनॉमिक जोन नहीं बने पंजाब में भी बनना था पंजाब में पंजाब में बनना था जी बनना था और उसमें अभी तक हम उसको टेक ऑफ नहीं कर करते तो 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 कर हम, हम हम एम यू साइन कर लेते हैं मैं समझता हूं कि उसकी जो फॉलो अप है एम यूज की और उसको एक्चुअली मटेरियलाइज करना उसको वापस अपने इंटरनल आ जाएंगे पाकिस्तान को तो ये कह ना बिगेस्ट थ्री प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन 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 अच्छा साहब थोड़ा सा वापस जाते हैं तारीख पर यह बताएं कि ये एक हवाले से बड़ी अन ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो रिलेशनशिप है ये साठ साल का सफर विदाउट एनी मेजर अपहीवल्स आप जरा बताइए कि किस तरह से हुआ आपका डिप्लोमेसी से ताल्लुक रहा इतना गहरा देखिए शरीर अहमान ने जो कहा जो वजूहत दिए हैं मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ नथिंग वॉट यू एड साहब ने कहा मैं कहूंगा कि जहां पर आ, आ, कमेंटेटर्स और रिसर्च स्कॉलर्स पाकिस्तान के फेलियर्स को बढ़ता प्रोमिनेंस देते हैं ये रिमार्केबल सक्सेस और इसमें अनडाउटेडली हमारे फाउंडिंग फादर्स की फोरसाइट और विजडम का ये सबूत था देखिए जब पाकिस्तान स्टैब्लिश हुआ और चाइना जब कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर किया उसके बाद हमारे ऊपर इतना दबाव था हम एक तरफ जो है अमेरिका के एक नहीं दो नहीं तीन मिलिट्री एग्रीमेंट्स के में हम उनके पार्टनर थे उसके बावजूद हमने चाइना को अबैंड नहीं किया और टेस्ट हुआ वियतनाम के क्राइसिस जब आप अमेरिकन पेपर्स पढ़ती हैं रिफ्यूज तो उसमें आपने देखिए कि जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप कुछ नहीं तो दो नर्सेज भेज दें हमारे आपके बोर्ड में नाम डाला जाए कि आप भी कोलिशन के मेंबर है पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया पाकिस्तान ने कहा भाई हमारा कोई झगड़ा ही नहीं वियतनाम से हमारे चीन से कोई झगड़ा नहीं नंबर वन नंबर टू इनिशिएटिव हमारी लीडरशिप ने दी चीन को कि हम बाउंड्री सेटलमेंट करे जिस पर चाइनीज बड़े सरप्राइज हमने 61 में 63 में तो फाइनल 63 हो गया। अब आप सोचे कि हमने उस वक्त प्रपोज किया जिस वक्त चाइना के साथ इंडिया के साथ झगड़ा था रूस पर उसूरी रिवर पर मैसिव आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चाइना और रशिया की चल रही थी मंगोलिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था सबके साथ हमने प्रपोज किया और चाइनीज वे प्लेजेंटली सरप्राइज और बहुत ही स्मूथली और आखिरी वक्त में एक छोटे से आंकलेव पर जब डिफरेंसेस हुई और पाकिस्तान ने अप्रो किया चाइना को कि हमारे ये शपर्स जो है 200 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन लाइन ने ओवर रूल किया निगोशिएटिंग टीम को और कहा कि ये दे देना चाहिए पाकिस्तान को क्योंकि गुडविल जो है और फ्रेंडशिप वो ज्यादा वैल्युबल है बजाय टेम्पररी एडवांटेज के उसके बाद ये भी सही है अनडाउटेडली भुट्टो साहब की अप्रिसिएशन थी कि चाइना के साथ दोस्ती जो है ने कितनी अहम है, है पाकिस्तान के लिए और उन्होंने परसुएट किया प्रेसिडेंट एयूब को उन्होंने परसुएट किया कैबिनेट को कि हमें इन, इनको देना चाहिए मगर उससे पहले भी सो कॉल्ड प्रो वेस्टर्न लीडर्स जब बांदूंग कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे हाँ मोहम्मद अली ने जब जो इन लाई को समझाया कि क्या वजूहत है कि हमने यह मिलिट्री पैक्ट में एग्रीमेंट किया पुरानी आर्काइव कहती हैं कि जोइन लाई ने अप्रिशिएट किया कि वी आर हम इसको सपोर्ट नहीं करते मगर हम आप भी अंडरस्टैंड शॉर्टकमी हालात आपके डिफिकल्टीज को हम अप्रिशिएट करते हैं तो इस बेसिस पर यह है फाउंडेशन इस रिलेशनशिप का और यह इनफैक्ट यह है कि जो 200 साल पहले लॉर्ड एक्टन ने कहा था बिल्कुल सही कहा था इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट है और चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअली री इन्फोर्स उस पर आते इंटरेस्ट पे वापस लेकिन चल यह बताएं और पर्सन आप पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड है ये एक पॉपुलर जो नैरेटिव है पॉपुलर लेवल पे इस जो रिलेशनशिप है वो वो उसका बहुत ही लोग उसको पॉजिटिवली देखते हैं और हम कुछ शेयर नहीं करते ना जुबान ना सकाफत ना आना जाना इतना मतलब इंडिया अफगानिस्तान ये वो उसके मुकाबले में चाइना की जब बात करते हैं तो आम शहरी भी इतना खुश होता है रिमेंबर एक दफा हम एक पॉलीटेनिक के थे साहब वो तब्ली जमात से उनका ताल्लुक था सन अस्सी की दहाई में तो उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान को चाइना को दे दें कॉन्ट्रैक्ट पे तो वो संभाल लेगा तो आई मीन वेर डू दीज थिंग्स कम फ्रॉम आई थिंक ये एक दो चीजें मैं फिर दोहराऊंगी एक चीज के हमने ना उन्होंने एक दूसरे पर जो एहसानात किए हैं चाहे है वो स्ट्रेटीजिक एंडेवर में थे या जो भी हम री बिल्कुल सही कर रहे थे लेकिन फरामोश नहीं किए हैं दोनों ममालिक ने बहुत से रिलेशनशिप्स ऐसे रिश्ते रहे जहां ये सब बातें भुला दी जाती हैं और आप अगला कदम आपको यहाँ ऐसा नहीं हुआ है इसमें सारी लीडरशिप का मैं बिल्कुल तसलसल होगा मैं ही आदता कहूंगी कि मोहतरमा शहीद ने भी बड़े विजिट्स किए मैं तो उन्हीं के साथ गई हूँ बीजिंग दो दफा उनके पिछली हुकूमतों में एंड पीपल्स पार्टी के लिए इतना मैं कहूंगी बड़े उनके दिल में एक अजीब अलग जज्बा है पीपल्स पार्टी के लिए डिनर्स भी होते हैं ऑपोजिशन में अलग से हमेशा के, कि शहीद जो्फारली भुट्टो ने जो बुनियाद डाली बट इट इज नाउ अब अब सारी दुनिया एक्चुअली चाइना को देख रही है एक तश्वीश की नजर से कि ये एक इतना बड़ी ओवरहीटेड इकॉनमी एडमिरेशन भी है है तश्वीश भी देखिए एक एनवी वी एडमिरेशन फियर और दूसरा साइड ऑफ द कॉइन पाकिस्तान तो बड़ी एतमाद से देखती है लेकिन बहुत से और ममालिक हैं अमरीका इनमें शामिल है इंडिया उनमें खास शामिल है जो उस चीन को बड़े डबल साइडेड व्यू और और खौफ से भी देखती है उसकी ट्रेडिंग पार आई मीन दे आर अंडर राइटिंग अमेरिक

एंड अमेरिका uh, mm -hmm. ने इतना भी कहा कि उनकी जो जियोग्राफिकल अब अग्रेशन है चाइना इज असर्टिंग इट्स जियो पोलिटिकल सॉवरेनिटी इन द इंडियन ओशन इन अ वेरी एंड नॉट सो सेटल जी नॉट सेटल एट ऑल वेरी फोर्सफुली ऑन द साउथ चाइना सीज से लेके इंडियन ओशन तक और जिसके जवाब में या उसके मैच करने के लिए हिलरी क्लिंटन ने कहा हम फॉरवर्ड डिप्लोमेसी डिप्लॉय करेंगे वहां जो उनकी डिप्लोमेटिक पैलेंस में आप, उनका उन, मतलब कोरिया को अपने ट्रूप्स आगे ले जाओ तो, तो बहुत कुछ वहां हो रहा है फिर पाकिस्तान देयरफॉर कैन बी एंड इज अ की प्लेयर और चीन का इंटरेस्ट ग्वादर पोर्ट में भी बहुत है एज की बेस उसके उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे नाजी ना इस पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे कि चाइनीज डिप्लोमेसी को कहा जाता था बहुत सटल है बहुत मेच्योर है अब वो जो डिप्लोमेसी है उसमें क्या हम कोई चेंज देखेंगे आने वाले दिनों में खित्ते में और ग्लोबल लेवल पर एक ब्रेक के बाद